हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो के साथ। फिलहाल दोस्तों आप सभी को मालूम ही होगा, अभी हम हैं केंद्र शासित प्रदेश दमन में, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये एक नदी है। तो आज है 8 नवंबर 2023। तो फिलहाल दोस्तों आज हम चल रहे हैं एक दूसरे एरिया में सर्वे करने के लिए, जो कि यहाँ का वार्ड नंबर 5 लगता है। ये नदी है और यहाँ सामने एक किला है। अगर आप सभी कहेंगे तो वहाँ के भाई चल करके हम आप सभी को यहाँ का नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हमारे साथ यहाँ पर देखिए 4 लोगों की टीम भेजी गई है, जो कि अलग अलग वार्ड में जाएंगे। दो दो लोग जाएंगे एक एक वार्ड में। यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है फिलहाल गांव में, हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी होगी। फिलहाल अभी तो वहाँ नहीं है तो बता नहीं सकते। अगर आप लोग गाँव से वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। टीम में देखिए हमारे साथ है ये आशीष भाई हैं, जो कि हमारे पड़ोसी गाँव के रहने वाले हैं। आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग जिस एरिया में सर्वे करने वाले हैं वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पर हमको कुछ नया देखने को मिला है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ फूल वगैरह सब लगाया जाता है, सजावटी डेकोरेशन फ्लावर। और यहाँ पर ज़्यादा नारियल यानी कि ताड़ वगैरह का पेड़ देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर है ताड़ का पेड़ है, यहाँ पर है, और यहाँ पर इमली का भी काफ़ी ज़्यादा पेड़ नज़र आ रहे हैं। और आपको एक जानकारी और दे देते हैं, जैसे कि अपने यहाँ बियर वगैरह सब चलता है ना, तो बियर काफ़ी महंगा होता है, लेकिन यहाँ पर उसी की तरह थोड़ा बहुत स्वाद भी मिलता है, उसी तरीके से लगभग लगभग नशा भी करता है, लेकिन वो थोड़ा सा सस्ता मिलता है। तो यहाँ पर लगभग कितने में मिल जाएगा, अच्छा लगभग लगभग 30 रुपये लीटर यहाँ पर ताड़ी मिल जाता है। और इसको निकालते हैं यहाँ के लोग जो हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो ताड़ के पेड़ में थोड़ा सा खत बना देते हैं और एक मटका जो है वहाँ पर टांग देते हैं, धीरे धीरे करके वहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नारियल के पेड़ हैं, ये देखिए नारियल लगे हुए भी हैं, ये देखिए नारियल यहाँ पर गिरे हुए हैं, जैसे अपने यहाँ पक्का वगैरह गिरा रहता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए इस पेड़ के ऊपर थोड़ा सा खत बनाकर वहाँ पर हंडी मेटी वगैरह टांग देते हैं, तो बूंद के वहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। तो इस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ पर ब्लैक में समझ लीजिए, ऐसे तो परमिशन यहाँ नहीं है, लेकिन तब भी 30-35 रुपये पर लीटर के हिसाब से दिया जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर एक मटकी लटकी हुई है, इसी तरीके से यहाँ पर जगह का जगह पर लगाए हुए। तो फिलहाल दोस्तों अभी शाम के 4 बज गए हैं लगभग, और यहाँ से भी हम लोग चल रहे हैं रोम पर। ये देखिए हमारे साथी लोग हैं, ये जम्पोर बीच दिख रहा है, यहाँ पर मोटी दमन फोर्ट के पास चल रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को काम करके आज कैसा लगा? फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग ड्यूटी करके रोम पर जा रहे थे, तो अभी हम किले के पास पहुँचे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये किला है, जो कि पुर्तगाली शासन के लोग यहाँ पर बनाए हुए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं, पानी वाली जहाज़ें हैं, जो कि ये पहली बार इस तरीके के जहाज़ को हम देख रहे हैं और आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इसकी सहायता से लोग चलते घूमते हैं और मछली ज़्यादातर पकड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यह समुद्र शुरुआत होता है और ये है किला। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर घूमते घूमते अभी हम चले आए थे समुंदर के किनारे पर, ये देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बड़ी दमन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर जो देख सकते हैं वो नानी दमन यानी कि छोटी दमन है। और अगर आप इधर आते हैं तो कई बार इस वाले पार्ट को देखे होंगे, जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। तो यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर किले का नज़ारा देख सकते हैं, ये है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं फ्लैट पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई है। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं अपने रूम पर, फ्लैट पर, जो हमको कंपनी तरफ से मिला हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा थकान से लग गई है, क्योंकि पैदल आज लगभग 15 किलोमीटर चल दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों ये जहाज़ें हैं, इनका देखिए कुछ नाम भी है, जैसे बाइक में अपने होता है, कार में होता है, उस तरीके से। तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से, अभी हम उस वाले पुल से निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से अभी हम लोग रूम पर चल रहे थे, ये देखिए, जो कि पहले का यह पुल है, जो कि ये अभी टूट गया है, जो कि बहुत पहले हम आए थे तो इसी पुल से आ रहे थे, कुछ दूर आने के बाद फिर वापस जाना पड़ा था। और जब सुबह में हम जॉब के लिए जा रहे थे यानी कि सर्वे करने के लिए, तो सामने देख सकते हैं इस वाले पुल से जब गए थे हम लोग, ये देखिए, जो कि ये नया बना हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना गंदा पानी है, जो कि समुद्र में जा रहा है, जो कि सीवेज वगैरह से आता है पानी, ठीक इस तरीके से। तो चलिए आगे चलते हैं।
है।